क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 16 स्टक बाय एन आइसबर्ग। बिफोर स्टार्ट रीडिंग आई हैव टू टेल यू वन थिंग। द चैप्टर 16 स्टक बाय एन आइसबर्ग इज डिवाइडेड इन फ्यू पार्ट्स एंड दिस इज योर वेरी फर्स्ट पार्ट। Remaining portion of the chapter is in further videos. I hope you understand. So let's start reading. Have you heard about the ship or watched a film based on Titanic, the largest ship that have ever built? क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े ship या उससे related कोई movie देखी है? Titanic, हाँ सही पहचाना आपने। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था आज तक की history में बनने वाला है। आज तक इसके जितना बड़ा जहाज दोबारा बना ही नहीं है। What debacle occurred to this gigantic ship and what happened to those thousands who were traveling in it? Let's read the chapter to know all about it. इस विशाल जहाज के साथ क्या हुआ और इस पे सवार हजारों लोगों के साथ क्या हुआ, आइए इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। The SS Titanic set sail on her maiden voyage from Southampton to New York on April 10, 1912. She was the largest ship that had ever been built and was thought to be unsinkable. SS Titanic 10 April 1912 में साउथहैम्पटन के न्यूयॉर्क से अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, साथ ही ऐसा माना जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता है। ऑन द नाइट ऑफ April 14, 15 द टाइटैनिक स्टक एन आइसबर्ग 500 माइल साउथ ईस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड। द कोलिजन टॉर अ 300 फुट गैश इन द शिप्स हल एंड द शिप सैंक इन अबाउट 2 आवर्स। 14 या फिर 15 अप्रैल की रात टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड से 500 मील दूर दक्षिण पूर्व में एक बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े से टकराया। जब उन दोनों की टक्कर हुई तो जहाज में लगभग 300 फुट का जो जहाज था वो 300 फुट तक टूट चुका था। उसमें 300 फुट का गड्ढा बन गया था और इसकी वजह से लगभग 2 घंटों के अंदर ही पूरी तरह से जहाज डूब गया। द लाइफ बोट्स हैड लेस देन हाफ ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 200 persons on board. 750 survivors were picked up. The linear Carpathia, Archibald Gracia was among the last to leave the shrinking ship. I was now working with the crew at the davits on the starboard side forward, adjusting them ready for lowering the Engelhard's boat from the roof of the officer's house to the boat deck below. One of the crew on the roof sang out, "Has any passenger a knife?" I took mine out of my pocket and tossed it to him, saying, "Here is a small penknife. If that will do any good." It appeared to me then that there was more trouble than there ought to have been in removing the. मैं स्टारबोर्ड के साथ चालक दल में काम कर रहा था। उनके अधिकारियों के घर की छत से नाव तक एंगलहार्ट बोट को तैयार करने में लगा हुआ था। तभी क्रू में से एक
मेंबर छत पे खड़े होकर चिल्लाता है, क्या किसी पैसेंजर के पास एक नाइफ मतलब चाकू है? मैं अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल के उसकी तरफ आगे बढ़ाता हूँ और कहता हूँ, मेरे पास एक छोटा चाकू है, या फिर जो पॉकेट में रखते हैं छोटा वाला नाइफ, वो है। इफ़ दैट विल डू एनी गुड, इट अपीयर टू मी देन दैट देयर वॉज मोर ट्रबल देन देयर ऑट टू हैव बीन इन रिमूविंग द कैनवस। अगर इससे कोई फ़ायदा होता है, वो चाकू को देते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक छोटा चाकू है, ये लीजिए अगर इससे कोई फ़ायदा होता है तो। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये इतना छोटा है कि हो सकता है इससे जो कवर है उसको हटाने में या काटने में क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। एंड कटिंग द बोट लूज एंड देन दैट सम मीन्स शुड हैव बीन अवेलेबल फॉर डूइंग दिस विदाउट डिले। अब वो नाइफ इतना छोटा था कि उससे ना उस नाव को फ्री करने के लिए ना वहाँ पे रस्सियाँ वगैरह लगती हैं, तो उनको लगा कि अगर उस छोटे से चाकू से अगर उसे काटने बैठे तो बहुत देर लग जाएगी। तो अब वहाँ वो सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए हमारे पास या होनी चाहिए थी जिसकी वजह से हम बिना देर लगाए और अपना काम जल्दी से कर सकें, नाव को जल्दी से फ्री कर सकें जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। मीन टाइम फोर और फाइव लॉन्ग ओर्स वर प्लेस्ड एस्लेंट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ऑफिसर्स हाउस टू ब्रेक द फॉल ऑफ द बोट विच वॉज पुश्ड फ्रॉम द रूफ एंड स्लिप्ड विद अ क्रैश डाउन ऑन द बोट्स डेक स्मैशिंग सेवरल ऑफ द ओर्स। क्लिंच स्मिथ एंड आई सक्रीड आउट ऑफ द वे एंड स्टोड लीनिंग अगेंस्ट विद द बैक्स अगेंस्ट द रेल वॉचिंग दिस प्रोसीड्यूर एंड फीलिंग एंशियस लेस्ट the boat be injured so as to cause her to leak in the water। और इसी बीच चार या पांच चप्पू जो नाव होते हैं ना उसे चलाने के लकड़ी के होते हैं पानी को पीछे की तरफ पुश करने के लिए, वो जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे ना उनका घर उसी शिप पे था, तो उसके घर की ना दीवारों पे क्या होते वो लगे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए जब उनको खींचा गया तो वो गिर के सीधे जहाज़ पे गिरे, जिससे उसके जहाज़ में भी ना क्या हो गया, मतलब थोड़ी वो बोलते हैं टूट फूट जिसे आप बोलते हैं, चोट लगना लोगों को और उसका नुकसान। इसमें इसके बाद क्लिंट स्मिथ और मैं बाहर की तरफ निकल आए और ये सब जो भी हो रहा था उसे अपनी आंखों से खड़े हुए देख रहे थे, और बहुत ही उसके साथ हमें चिंता महसूस हो रही थी, अगर ये नाव टूट गई, ये जो हम नाव उतार रहे हैं ये अगर नाव टूट गई तो ये पानी में जाके डूब सकती हैं। अबाउट दिस टाइम आई रिकॉल दैट एन ऑफिसर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस कॉल्ड डाउन टू द क्रू एट दिस क्वार्टर। मुझे याद है कि मतलब जब ये घटना हुई तो एक जो क्रू मेम्बर था उसने बाकी लोगों को ऊपर बुलाया। आर देयर एनी सीमेन डाउन देयर अमोंग यू, वो चिल्लाते हैं ऊपर से, क्या आप में से कोई नाव चलाना जानता है या कोई नाविक है आप लोगों में से? आई आई सर वॉज द रेस्पॉन्स एंड क्वाइट अ नंबर लेफ्ट द बोट डेक टू असिस्ट इन वॉट आई सपोज टू हैव बीन द कटिंग लूज ऑफ द अदर एंगल हार्ट बोट अप देयर ऑन द रूफ। आई आई सर ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है, और इससे जब ऊपर से अभी नाव उतार रहे तो ऐसे उतार के बहुत सारी नाव छोड़ दी गई, लेकिन अभी भी जो और नाव थी उनको छत वो अभी भी छत से लटकी हुई थी, और उनको ढीला करने के लिए काटने के लिए वो चाहते थे कि वो उसे काटे, लेकिन काटने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी उस वक्त। आई हियर्ड एन इंक्वायरी फॉर अनदर नाइफ, तभी वो सुनते हैं कि एक और चाकू के लिए वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी के पास और चाकू है। आई डोंट नो हु गेव इट टू हिम, मुझे नहीं पता किसने उनको वो दिया था। मीनवाइल बोट बी वॉज थ्रोन डाउन टू द बोट डेक, तभी उसी दौरान बोट बी जो थी उसको भी बोट की डेक पे गिरा दिया गया। एंड वॉज द वन ऑन विच ही एंड आई इवेंचुअली क्लाइम्ड, ये वही बोट थी जिस पे मैं और वो कूदे थे। द क्रू हैड thrown the angle heart boat to the deck but I did not understand why they were so long about launching it।
उन्होंने ऊपर से वो नाव जो है एंगल हार्ट बोट जो थी वो जहाज़ के डेक पर, मतलब एक बड़ी सी जगह होती है डेक, उस पर गिरा दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये सब करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, अनलेस दे वर वेटिंग टू कट द अदर वन लूज एंड लॉन्च देम बोथ एट द सेम टाइम। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे कि मतलब एक को काटा, पहले एक को ढीला किया, फिर उसको काटा, जब वो नीचे उतर गई तब दूसरा काट रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करा उन्होंने कि दोनों को एक साथ काटा और एक ही टाइम पर उसे नीचे उतार दिया जाए। टू यंग मैन ऑफ द क्रू, नाइस लुकिंग, ड्रेस्ड इन वाइट, वन टॉल एंड द अदर स्मॉलर, वर कुली डिबेटिंग एज टू वेदर द कंपार्टमेंट्स वुड होल्ड द शिप अफोर्ड। क्रू, जो क्रू था, जो शिप में जो लोग काम करते वो क्रू कहलाते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं। तो दो लोग थे उसमें, दोनों के दोनों देखने में अच्छे थे, सफ़ेद कपड़े पहने थे, एक लंबा था एक थोड़ा छोटा था। वो दोनों ही खड़े हुए बहस कर रहे थे, वो इस बारे में बहस कर रहे थे कि ये जो कंपार्टमेंट्स है, ये मतलब शिप जो है, ये जो नुकसान हुआ है शिप में या शिप की जितनी भी चीज़ें हैं, ये कब तक होल्ड कर सकती हैं चीज़ों को, कितनी देर में वो निकल सकते हैं वहाँ से या कितना टाइम उन्हें मिल सकता है। देवर स्टैंडिंग विद देयर बैक्स टू द रेल, लुकिंग ऑन एट द रेस्ट ऑफ द क्रू एंड रिकॉल आस्किंग वन ऑफ देम व्हाई ही डिड नॉट असिस्ट। जो वो जो क्रू मेंबर्स थे या हम लोग थे जो वहाँ से उतर के आए ऊपर, वो सभी के सभी ना रेल की तरफ, मतलब जहाँ पे वो होता है ना, जहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं, थोड़ा वो लगे होते हैं आयरन, छोटे छोटे वो आयरन से वो बना दी जाती है ना, रेलिंग जैसे बना दी जाती है, उसकी तरफ कमर करके खड़े हुए थे। उसकी जो बैक साइड थी वो उसकी रेलिंग की तरफ थी। बाकी क्रू मेंबर्स को देख रहे थे, साथ ही उन्हें बुला भी रहे थे। तभी मैंने उनमें से एक से पूछा कि आप मदद क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तुम मदद क्यों नहीं कर रहे हो। हेयर योर फर्स्ट पार्ट इज एंडेड, ट्राई टू रीड दिस चैप्टर मिनिमम 2-3 टाइम्स सो दैट यू विल लर्न टू स्पीक द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द टेक्स्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।